अगर आप एक सीएससी वैली हो, एक कॉमन सेंटर संचालक हो, तो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, सीएससी में एक नई सर्विस लाइव हुई है। अगर आप इस सर्विस में काम करते हो तो आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सरकारी सर्विस क्या है, इसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन लोगों का करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से देने वाला हूँ। तो अगर आप एक कॉमन सेंटर संचालक हैं, एक वीएलई हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। किस तरीके से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करके 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम सीएससी से रिलेटेड कोई जानकारी आपको साझा करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं सीएससी में वो कौन सा सर्विस लाइव हुआ है जिसके माध्यम से आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। इस नई सर्विस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना सीएससी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है सीपीजी, और यहाँ पे जो पहला आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर अपना यूजर नेम आपको यहाँ फिल करना है, पासवर्ड यहाँ फिल करना है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीएससी आईडी है। और यहां पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहां पर आपको देखने को मिलता है लॉग इन पब्लिक ग्रीवेंस, इस पर क्लिक कर देना है। अगर किसी भी कस्टमर को किसी भी सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उस कस्टमर का प्रॉब्लम यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कस्टमर का फॉर्म या रजिस्ट्रेशन को फिल करने के लिए यहां पर एग्री पर आपको क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, और यहां पर बहुत सारे सर्विस आपको देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के। अलग अलग डिपार्टमेंट यहां पर है, यहां पे फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग डिवीजन से रिलेटेड सर्विस है। अगर किसी कस्टमर को फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस सर्विस पर क्लिक करके उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस रिलेटेड यानी इनकम टैक्सेस से रिलेटेड अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप उसका कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है होम अफेयर से रिलेटेड भी है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से रिलेटेड भी वर्क यहाँ आप कर सकते हैं। पर्सनल एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड और फाइनेंशियल सर्विस से यानी इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो यहीं से आप रजिस्टर्ड करके उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसी भी कस्टमर को किस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका समाधान आपको करना है तो आप इसी पोर्टल से करेंगे। इसी तरह आप लेबर से रिलेटेड, सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे सर्विस दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं। अलग अलग यहाँ पे पोर्टल्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम उनके सॉर्ट आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फाइनेंशियल से रिलेटेड किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग डिवीजन। अब यहाँ पे कस्टमर को किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो सिलेक्ट मेन कैटेगरी पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे बैंक लॉकर से रिलेटेड, यहाँ पे डिफेंसियंस कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, एजुकेशन लोन से रिलेटेड, हाउसिंग लोन से रिलेटेड, और स्क्रोल करके आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से रिलेटेड कोई जानकारी लेना है, या किसी प्रकार के फ्रॉड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बैंक चूज करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद किस बैंक से रिलेटेड वो प्रॉब्लम उनके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, और बहुत सारे यहाँ पे बैंक्स आपको मिल जाते हैं जितने भी बैंक्स हैं, और यहाँ पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच यानी ब्रांच कौन सा है उस बैंक का, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर उसके बाद कस्टमर का अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है चूज फाइल, अगर उससे रिलेटेड उनके पास कोई फाइल है, प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके पास कोई फाइल
पेज या कोई दस्तावेज है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। उसको बाद उस फाइल को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, 4 MB से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम किसी सर्विस से आ रहा है तो यहीं से आप उनका कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।